हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत में अब तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है और कब कब मिला है और किस क्षेत्र में दिया गया है। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला था। उसके बाद विज्ञान के लिए सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी यह पुरस्कार 1930 में दिया गया था। इलेक्ट्रॉन पर काम करने के लिए हरगोविंद खुराना को भी यह पुरस्कार 1968 में मिला था। मानव सेवा के लिए मदर टेरेसा को भी यह पुरस्कार 1979 में दिया गया था। फिजिक्स के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को यह पुरस्कार 1983 में दिया गया था। अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार 1998 में यह पुरस्कार दिया गया था। सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल का यह पुरस्कार 2001 में मिला था। और रसायन विज्ञान के लिए वेंकट रमन रामकृष्ण को यह पुरस्कार 2009 में दिया गया था। गरीब और मजदूरों के बच्चों को शिक्षा के लिए कैलाश सत्यार्थी को यह पुरस्कार 2014 में दिया गया था। गरीबी हटाने के लिए अभिजीत विनायक बनर्जी को भी यह पुरस्कार 2019 में दिया गया था।